जो मैं बात कह रहा था कि मुंबई लेने के लिए भी महाराष्ट्र को संघर्ष करना पड़ा उस वक्त भी कांग्रेस थी राहुल जी के परदारा थे पंडित जी उस वक्त वो नाराज थे बहुत ही और वो मुंबई महाराष्ट्र को देने के खिलाफ थे ये तो सच्चा ही है और माना जाता था कि पंडित जी पूरे देश में खुली, खुली गाड़ी से घूमते थे उस वक्त तो शिवसेना नहीं थी उस वक्त तो शिवसेना नहीं थी लेकिन मराठी मानूस जब रस्ते पर उतर कर आ गया गुस्से से पागल होकर कि हमारी मुंबई हमें क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमारा अधिकार है तब पंडित जी को भी बंद गाड़ी से घूमना पड़ा तो ये मराठी मानूस की जो बात है ना ये मराठी मानूस इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो सो आई सिंग उद्धव जी देर देंटिमेंट ऑफ द मराठी मानस फॉर शाहरुख सिमिलरलीफरिंग नो बातें शिवसेना ही क्यों करे? नहीं, पर राहुल की बात है कुछ करेगी ये मैंने, मैंने नहीं किया कहा कि पर कल करेगी हम, या नहीं करेगी नहीं मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि कल हम राहुल को रोकेंगे ऐसे मैंने नहीं कहा है मैंने तो यही कहा है कि राहुल जी ने जो बात कही है वो बहुत ही गंदी और बात गलत बात है पर आपने ये और वो आगे ऐसे कहते रहेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मार्च रस्ते पे आ सकता है कि हम हम अपमान क्यों सहते पर ये धमकी जो आपने दी दैट ही कुड बी केप्ट आउट ऑफ मुंबई ये धमकी क्यों दिया ये हो सकता है अगर मुझे कहना है धमकी है तो मैं धमकी दे सकता हूं लेकिन नहीं दी है धमकी क्योंकि धमकी की जरूरत नहीं है आप जो बोल रहे हैं वो तो अगर सोच समझकर नहीं बोले तो उसका क्या हो सकता है वार्निंग kind of और वो पूरे मार्श की ओर से है शिवसेना अकेली शिवसेना और अकेले राहुल जी का कुछ झगड़ा है क्या उतन... या शाहरुख जी का और हमारे झगड़ा है मेरे वैयक्तिक कुछ दुश्मनी है या पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई शिवसेना की लड़ाई है या देश की लड़ाई है